अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखेंगे 10 इयर्स ऑफ सजल अली, क्वीन ऑफ पाकिस्तानी टीवी। ऑब्वियसली क्वीन तो कहा ही जाएगा, इतनी ब्यूटीफुल भी है और एक्टिंग तो इनकी लाजवाब है। और इतने सारे हमने ड्रामास देखे हैं इनके, और साथ ही इतने सारे लोग इन्हें वहाँ पसंद करते हैं। सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पूरी दुनिया में। खैर, इनके जो सीरियल्स हैं सब जगह उन्हें देखा जाता है। और अभी कुछ टाइम पहले क्या नाम था उनका, श्रीदेवी, श्रीदेवी के साथ मूवी आई थी मॉम, उसमें हाँ, बेटी बनी थी। अच्छा हाँ, वो है हाँ। और श्रीदेवी ने भी इनके बारे में बोला था जब उनको अवार्ड मिला था तो। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो मैं नहीं पता था, मैंने मूवी में देखा तब मैं पहचान ही गया, अरे ये सजल मुझे अब है। तुमने बताया ना तो शक्ल मैं मैच कर रहा हूँ कि हाँ शायद ही वही लड़की हाँ ये वही है। तो अब देखते हैं कि इनकी 10 ईयर्स की जर्नी कैसी रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अजीत भाई दिल घर में मुकाबला जाए मंजिल के लिए दो गांव चली और सामने मंजिल आ गया। क्या बात है, I'm speechless, exactly. मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं। अच्छा, डैश मेरी फेवरेट एक्टर। सजल, सजल पाकिस्तान में कोई भी नहीं है जिसने यू नो सजल जैसी कोई है एक्ट्रेस। आई थिंक सजल इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। शी इज वेरी रिफाइंड, शी इज गिफ्टेड। सजल इज माय डार्लिंग। सजल के साथ बिकॉज अगेन उससे मैं कुछ सीखना चाहूँ। सजल भी माशाल्लाह इतनी प्यारी है मेरे लिए जितनी मेरी बेटी। कौन सी सीरीज सजल बहुत पसंद है? सारा खान। सारा खान। सजल इज अनदर पार्ट ऑफ मी, नोबडी बीट्स हर। जैसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट सजल के लिए वन वर्ड से ज्यादा होगा, द बेस्ट। द बेस्ट सजल की एक्टिंग इतनी शानदार। सजल तो मेरा दिल कट के ले दिल कट आउट टू बी द बेस्ट एक्ट्रेस दैट वी हैव, है ना, बेहतरीन अदाकारा। क्या बात है, सजल एक्ट्रेस हस्बैंड जी, हस्बैंड है। देखो मॉम लिखा था ना, मॉम में थी। मुझे चुप कराने वाली मर गई है। हाँ हाँ, तुम बेगैरत हो, तुम में जरा से भी गैरत होगी ना जाके इसके पैसे इसके मुंह में मारते। तुम क्या मुझे तलाक दोगे? मैं आज तुम्हें तलाक देती। बोले राना, खुद की घटिया सोच है तो दूसरों को भी घटिया समझाएगा। जब तुम्हारी बेटी हो और यही तकलीफ कोई तुम्हारी बेटी को, आंखों में एक्टिंग दिख रही है, जो आंखें हैं ना उससे तालीम के लिए भेज रहे हैं, और ये क्या कर रही है बदकारियां? मैंने इससे बच नहीं किया, माफ कर दे। आज अपनी जात पे एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बस कर दे भाई, बस कर दे। अब मुझसे हाथ मत उठाइएगा और ना ही मुझे एक गाली और दीजिएगा। आपकी जबान सोनिया को सराहते उसकी तारीफ करते करते नहीं भरता तो मैं कैसे गलत हो गई? अब आप मेरी टाइटैनिक देखिए। पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा नाम सस्ते क्यों रख दिया, सहराओं में रुलती रही है वो। देखो ये रहा, मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा, मैं तेरी परवानी हूँ। तुम्हारे मजार के लिए जब तुम मरोगी ना तुम्हारी कब्र पे मजार बनाऊंगी। अल्लाह कसम, आज जुमेरात उस पर कवाली करूंगी। इस घर में सारे कांग्रेस ही नहीं रहते, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। मैं पागल हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ, मैं रातों को उठती हूँ, ख्वाब देखती हूँ, चीखें मारती हूँ। मेरी माँ को पता आपने करवाया? तुम दोनों ने मुझे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें लगता है कि कमा नहीं सकते? औरत होती तो भटक जाती, माने अल्लाह के, बस अल्लाह के लिए। हमेशा मामा को कहती थी कि जब भी मुझे पहला अवार्ड मिलेगा वो मैं आपको डेडिकेट करूंगी। फिरदौस, दिस इज फॉर यू, आई लव यू। आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस, सजल अली फॉर यकीन का सफर। It is a true pleasure and honor to present the DIAFA 2020 award to Pakistan's biggest icon in the film and series industry, Sajal Ali. The award goes to Sajal Ali. And thank you so much to all my fans. Thank you so much, aap sabke pyar ka. Thank you so much. Fatam. Sabse badi fan to main hu.
मुझे वो सीन देखना था, अगर मॉम का भी इसमें सीन डला हुआ होता क्योंकि हाँ, तो वो भी एक मूवीज में से एक है इनकी, और वो उसमें भी बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग करी सीन था, पर अच्छी एक्टिंग थी। ज्यादा रोल तो नहीं था एंड में, ज्यादा पार्ट था इनका वो मुझे अभी भी याद है, लेकिन वो होना चाहिए था हल्का सा ही सही, लेकिन होना चाहिए था। कहते हैं ना कि मतलब कम उम्र में ही इंसान को तरक्की मिल गई, इतना ज़्यादा इन्होंने एक के बाद एक ड्रामास किए और फिर उसके बाद उसमें जो एक्टिंग की है ज़बरदस्त एक्टिंग। बस सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस मुकाम पे अभी ये हैं, अगर ये उसको बना करके रखें हमेशा के लिए आगे तक के लिए, तो हाँ। बहुत बड़ी बात होगी। अभी तक बना कर रखा हुआ ये, तभी तो ये डिजर्व, देखो क्या कितने अवार्ड मिल चुके हैं, कितने लोगों ने नाम लिया, कितने लोगों ने कहा कि सीखना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कम उम्र में अगर किसी से सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर, उस इंसान के अंदर कुछ तो बात है ना, कुछ तो टैलेंट है। अलिफ देख लो इनका ड्रामा, और जो ये वाला आया था चम्मी का, मैंने मॉम मूवी देखी थी उसी में जितना रोल देखा था ना मैंने इनका, वो उतना पार्ट ही इतना काफी था दिखाने के लिए कि है कुछ एक्टिंग आती है। और पता है क्या कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनको ज़्यादातर ऐसे रोल्स मिलते हैं जिसमें ये पुरानी हीरोइन लगती हैं, क्योंकि ये लगती है, पता नहीं क्यों इसका जो फेस हाँ, है ना थोड़ा सा आँखें और नाक से हल्का, और जो इसकी शादी का जो लुक था वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा था जैसे कि पुरानी हीरोइन। काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि इतनी कम उम्र में कोई इंसान इतना टैलेंटेड हो, तो बहुत बड़ी बात, इतनी काबिल है, यहाँ तक पहुँची है, डिज़र्व करती हैं यहाँ पर पहुँचना। और सबसे बड़ी फ़ैन तो मैं ही हूँ, मैं जितने भी तारीफ़ करूँ मेरे लिए तो कम है। हाँ भाई ने पहली बार देखा था, लेकिन आज जितनी इनकी तारीफ़ सुनी है, क्या पता आने वाले टाइम में इन्हें अवेंजर्स में या किसी हॉलीवुड मूवी में भी रोल मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि बहुत सारे भी मैंने देखा पाकिस्तानी किसी एक्टर को अवेंजर्स में कास्ट किया गया है। अच्छा, हाँ इटरनल्स में। अच्छा, और वो बहुत बड़ी बात है कि एक अवेंजर्स मार्वल की स्टार कास्ट में एक पाकिस्तानी एक्टर का होना, वो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो ये थी सजल अली की 10 साल की जर्नी, जो उन्होंने कैसे करके पूरी करी है, और आज वो जिस मुकाम पर है वो हम सभी लोग देख रहे हैं। उनकी एक्टिंग के तो हम कितनी भी तारीफ़ करें कम है, और आज जो हम उनके जितने भी ड्रामास देखते हैं, अच्छा हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं उनके, होना भी चाहिए, मतलब इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो वो भी बहुत टैलेंटेड हैं। उनके भी ड्रामास देख, ऐद वफा देख लो, उसमें कितनी अच्छी एक्टिंग करी है, टैलेंट ही टैलेंट को समझ पाता है। सही में यही चीज़ है, ये बात तो है। चलो तो ये थे गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें सजल अली के हमने 10 साल की जर्नी देखी, जो देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मुझे गूज बम्स भी आ रहे थे यार, इतना टैलेंट कूट कूट के अल्लाह पाक ने भरा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक वो पहुँच गई। बस ये है कि काश इनकी मम्मी आज होती तो उनको देख पाती है ना, मम्मी देखती तो वो ज़्यादा खुश होती, और आज वो कहीं ना जहाँ पर भी हैं उनकी दुआएं तो इनके साथ ही हैं, और तभी वो उनकी दुआओं की वजह से यहाँ तक पहुँची हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा रिएक्शन, आई होप आप सबको पसंद आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।